वेलकम स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ यंग माइंड्स अकेडमी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक फॉर ICSE क्लास 10th। द चैप्टर नेम इज वैल्यूज एंड टाइप्स। वैल्यूज एंड टाइप्स, लास्ट प्रीवियस टू लेक्चर्स पे मैंने आपको प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है ये बताया था, हाउ टू राइट द प्रोग्राम इन जावा। नाउ आपको प्रोग्राम लिखने का थोड़ा एक आइडिया मिल गया होगा। नाउ अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं जो आपको पढ़ना है, कवर करना है। तो पहले वाले क्लास में हमने ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज वैल्यूज एंड टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। कैरेक्टर सेट सपोर्टेड बाय जावा। What are different character sets supported by Java? Every programming language supports some character sets. Character can be a special symbol, it can be alphabet, numbers. इन सबको हम characters बोलते हैं programming language में, ठीक है। So every programming language supports some characters. So in Java it supports Unicode character sets. So what is character set? It is a defined set of set is character set is defined list of characters recognized by the computer hardware and software. Each programming language support a particular character set. Character set क्या होता है कि जो hardware and software जो आपका support करता है जिसको, that is called character set. Is it clear? And every programming language supports some character set. Here Java uses 16-bit Unicode character set to represent a character data. Unicode supports 65,536 characters. इतना characters, 65,536 characters को support करता है कौन? Unicode. और चूंकि Java क्या करता है? Unicode character set को use करता है या support होता है. Therefore, Java में हम लोग इतने characters use कर सकते हैं. That's why Java is a very rich language. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें characters को use करने को मिलता है. So Java support Unicode character set and which is of 16 bits and total number of characters 65,536 characters used by Java. So this is the character set. आपसे question भी आता है कि what character set used by Java and what is the code system used by Java. So Java uses 16-bit Unicode character set या Unicode character set system and which represent the 65,536 unique characters. Okay. Next, tokens in Java. Tokens बहुत important होता है, जैसे किसी भी language को जब हम सीखते हैं तो उसका grammar पढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी language को जब हम सीखते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका grammar पढ़ते हैं। Similarly, in learning of any programming language, we have to study and we have to learn the tokens. Tokens पढ़ना होता है, because टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइक जैसे आप हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हो तो उसके जो ग्रामर्स होते हैं, आपका हर सेंटेंस में ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता है जनरली। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब चीज़ें, इन सब से मिलकर ही आपका कोई सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस, इवन एक सिंगल वर्ड भी आपका या तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है उससे बिलोंग करता है। सिमिलरली इन अ सिंगल डॉट, इवन अ सिंगल डॉट और सिंगल सिंबल और कैरेक्टर और इवन अ सिंगल स्टेटमेंट इन जावा और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इधर एनी टाइप ऑफ टोकन, किसी तरीके का वो टोकन्स होता है। सो टोकन्स आर वॉट? टोकन्स आर प्री डिफाइंड सेट ऑफ बेसिक एलिमेंट्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड पंक्चुएटर्स विच आर मीनिंगफुल टू कंपाइलर। टोकन्स क्या होता है? कैरेक्टर सेट से मिलकर टोकन्स बनता है। जो कैरेक्टर सेट हमने पढ़ा, जैसे अब जब आप हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हो तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट पढ़ते हो, देन अल्फ़ाबेट के बाद तब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है कि फिर नाउन क्या है, वर्ड्स पढ़ते हो तो वर्ड की कैटेगरीज पढ़ते हो कि ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड एडवर्ब है, वर्ब है। सिमिलरली यहाँ पे एक कैरेक्टर सेट होता है, कैरेक्टर सेट के बाद जो वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं, हर एक वर्ड आपका इसमें क्या होता है, इट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टोकन्स। सो टोकन्स आर प्री डिफाइंड सेट ऑफ बेसिक एलिमेंट्स, इट मीन्स इट कैन बी एनी कैरेक्टर्स, इट कैन बी एनी सिंबल और पंक्चुएटर मार्क्स।
विच आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर, जिसको कंपाइलर समझ पाता है, ठीक है। ऐसे समझ पाने का मतलब ये है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप मैसेज के अलावा अगर कहीं भी आप अपना नेम लिख दीजिए तो उसको कंपाइलर क्या करता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। सो एवरी थिंग्स वॉट वी राइट इन जावा प्रोग्राम इज अ मीनिंग, शुड बी मीनिंगफुल एंड इट शुड बिलोंग्स टू अ टोकन्स, टोकन्स का पार्ट होना चाहिए। लाइक जैसे आप सिंपल सी बात है, क्लास कीवर्ड यूज करते हो, क्लास कीवर्ड, ठीक है। तो क्लास कीवर्ड इज अ टाइप ऑफ टोकन, देन उसके बाद आप कोई नेम लिखते हो, अपना नेम लिख दिया, देन इट इज ये आइडेंटिफाई होगा कंपाइलर का कि इट इज अ नेम ऑफ क्लास, ठीक है। जैसे क्लास लिखा आपने, क्लास एंड क्लास नेम, क्लास नेम हमने आपने दे दिया, सपोज नाम मैंने दे दिया अपना आशीष, सो दिस नेम इज रिकॉग्नाइज्ड, ये जो वर्ड है आशीष तभी रिकॉग्नाइज होगा जब हमने उसके पहले क्लास की वर्ड यूज किया। सो दिस इज टोकन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अ टोकन टाइप ऑफ टोकन्स, ठीक है। सो देयर आर बेसिकली फाइव टाइप्स ऑफ टोकन्स यूज इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर आर बेसिकली फाइव टाइप्स ऑफ टोकन्स: कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल और कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर एंड सेपरेटर और एंड पंक्चुएटर्स। सो देयर आर बेसिकली फाइव कैटेगरीज ऑफ टोकन्स यूज इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो लेट्स सी वन बाय वन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टोकन्स आर प्रीडिफाइंड सेट ऑफ बेसिक एलिमेंट, या इसको हम बोल सकते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। टोकन्स क्या होता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ये क्या होता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसी से मिलकर प्रोग्रामिंग का एक एक स्टेटमेंट आपका टोकन से मिलकर बना होता है। इवन अ सिंगल वर्ड, सिंगल स्टेटमेंट जो भी होगा वो टोकन्स होगा। जैसे आप कोई भी, हमने बताया कि कोई भी आप जब लैंग्वेज पढ़ते हो इंग्लिश में ही, अगर आप एक सिंगल वर्ड भी लिखते हो तो वो किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। अगर आपने अपना नेम लिखा तो दिस इज नाउन, आपने अगर लिखा कि प्ले तो इसका मतलब इट इज़ वर्ब, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जावा में जब भी कोई प्रोग्रामिंग लिखते हो, एक सिंगल स्टेटमेंट भी लिखते हैं, तो वो किसी न किसी टोकन से बिलोंग करता है। तो टोकन्स आर फाइव टाइप्स: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल और कॉन्स्टेंट, एंड देन ऑपरेटर एंड सेपरेटर और पंक्चुएटर्स। सो लेट्स सी वन बाय वन टोकन्स। द फर्स्ट वन इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जैसा नाम ही इसका है, कीवर्ड्स, इट इज़ अ रिजर्व वर्ड, या एक ऐसा वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं, एज सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका अपना पहले से कोई मीनिंग है ऑलरेडी कंपाइलर को, या जावा लाइब्रेरी में इसकी मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है। सो कीवर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड फॉर जावा कंपाइलर, जो जावा कंपाइलर के लिए पहले से डिफाइंड होता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जब क्लास वर्ड यूज़ करते हैं, कहीं पे लिखा हमने क्लास, क्लास लिखते ही ये जावा कंपाइलर समझता है कि इट इज़ हम क्लास डिक्लेयर करने जा रहे हैं या क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। जैसे हम कीवर्ड यूज़ करते हैं आई एन टी वर्ड लिखते हैं, तो वैसे ही जावा को क्या पता चल जाता है कि ये एक आपका इंटीजर टाइप का वर्ड, ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करता है। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड्स विच मीनिंग हैव बीन डिफाइंड फॉर जावा कंपाइलर एंड दे हैव स्पेशल मीनिंग फॉर कंपाइलर। क्लास का मीनिंग अपना अलग है, क्लास वर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं, आई एन टी का अपना अलग मीनिंग है, ठीक है। एंड जावा कीवर्ड मस्ट बी इन योर इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू कैन नॉट यूज देम एज अ वेरिएबल, क्लास और मेथड नेम। जनरली क्या करते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग में, हमको कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स आपका जो है जावा में कीवर्ड्स आता है, फॉर जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम कभी भी जावा के में अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो क्लास का नेम लिखने के लिए या मेथड का नेम लिखने के लिए या वेरिएबल का नेम लिखने के लिए हम इसको यूज़ ना करें। सो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग द नेम ऑफ क्लास, फॉर राइटिंग द नेम ऑफ मेथड और फॉर राइटिंग द नेम ऑफ वेरिएबल्स बिकॉज दीज वर्ड्स, द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी डिफाइंड फॉर जावा कंपाइलर एंड दे हैव सम स्पेशल मीनिंग एंड दे कैन नॉट बी यूज फॉर अ वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम और क्लास नेम और इवन वी कैन से दे कैन नॉट बी यूज फॉर आइडेंटिफायर्स। इसको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपने लिखा क्लास, एक क्लास बनाया आपने
और क्लास का नाम हमने दे दिया int। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लास का नेम int जो है वो रॉन्ग होगा, बिकॉज int का मीनिंग पहले से ही डिफाइंड है। int इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, सो वी कॉन्ट टेक द int एज अ क्लास नेम। यहाँ पे क्या होगा, ये आप एरर शो करेगा, बिकॉज क्यों ऐसा एरर शो करेगा, बिकॉज इसका जो मीनिंग है int का, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड फॉर जावा कंपाइलर, एंड इफ यू आर गोइंग टू यूज इट एज अ क्लास नेम, इट मीन्स वी आर गोइंग टू रीडिफाइन दिस वर्ड। हम लोग इस वर्ड को फिर से डिफाइन करने जा रहे हैं, एंड वी कॉन्ट रीडिफाइन द कीवर्ड्स बिकॉज दीज आर द रिजर्व वर्ड्स। तो ये हम लोग कीवर्ड्स को रीडिफाइन नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज द कीवर्ड्स फॉर नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ क्लास और नेम ऑफ फंक्शन और मेथड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कीवर्ड्स क्या होता है, रिजर्व वर्ड्स होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जावा, जिसका जो मीनिंग होता है वो जावा कंपाइलर के लिए पहले से डिफाइंड होता है, और जब भी जो कीवर्ड यूज होता है उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग वो एक्शन होता है या जो भी एक्टिविटी। एंड कीवर्ड्स को हम लोग किसी भी फंक्शन के नेम के लिए या क्लास के नेम के लिए या वेरिएबल के नेम के लिए यूज़ नहीं करते या नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज अगर हम यूज़ करेंगे तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू रीडिफाइन दोज कीवर्ड्स एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टोकन्स, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट नेम्स, नेम्स ऑफ द फंक्शन, नेम्स ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल का नेम या क्लास का नेम, पैकेज है, इंटरफेस है, ये सब चीज़ें आपको अभी टेंथ वगैरह लेवल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। पैकेज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है पैकेज के बारे में, थ्योरेटिकल। सो आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट को जो हमने नेमिंग नेम देखते हैं, बिकॉज डिफरेंट पार्ट को हम लोग, जैसे क्लास हमने बनाया तो क्लास को किसी नेम से जाना जाएगा, जिस उस नेम से हम क्लास को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हमने कोई फंक्शन बनाया तो उसको कोई नेम देंगे हम लोग, तभी उस फंक्शन को हम यूज़ या एसेस कर सकते हैं। हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको भी कोई नेम देते हैं, ठीक है, जिससे हम उस वेरिएबल को जब भी कॉल करें या वेरिएबल को जब एसेस करें तो उस नेम से एसेस करते हैं। टू एसेस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जावा प्रोग्राम, वी हैव टू गिव देम नेम, एंड द गिविंग नेम इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। उनको जो नेम देते हैं इसको क्या, आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। सो आइडेंटिफायर आर नेम्स ऑफ द वेरिएबल, आइडेंटिफायर कैन बी नेम ऑफ द वेरिएबल। अब ये वेरिएबल का नेम है तो इसको हम सिंपली वेरिएबल बोलते हैं, एंड नेम ऑफ द मेथड्स एंड नेम ऑफ द नेम्स ऑफ द क्लासेस, पैकेज एंड इंटरफेस। अनलाइक लिटरल, दे आर नॉट द थिंग्स देमसेल्फ, जस्ट वेज ऑफ रेफरिंग टू देम। ये कोई अपने आप में कोई चीज़ नहीं होता है, यानी इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती है। ये एक वेरिएबल का क्या होता है, एक पर्टिकुलर का एक नेम है जिसको हम लोग देते हैं, वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। इसको जब हम डिफाइन करते हैं लिखते हैं तभी होता है ये, जस्ट वेज ऑफ रेफरिंग टू देम। इन द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग, ARGS, मेन एंड प्रिंट एलन आर द आइडेंटिफायर्स, ठीक है। प्रिंट एलन है यहाँ पे, प्रिंट भी क्या एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का नेम है, ठीक। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, जैसे हमने क्लास लिखा एक बनाया, क्लास हेलो वर्ल्ड, तो दिस इज द क्लास नेम, दिस इज कॉल्ड द कीवर्ड, एंड दिस हेलो वर्ल्ड इज द आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, एंड दिस वन इज कीवर्ड। ये क्या है आपका, कीवर्ड है। सो ये आइडेंटिफायर क्या है, यहाँ पे इस आइडेंटिफायर का क्या पर्पज है, ये जो है क्लास का नेम दे रहा है यहाँ पे, इट डिफाइनिंग द नेम ऑफ क्लास हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग भी क्लास का क्या है, स्ट्रिंग नेम दे गए। स्ट्रिंग में हम लोग अगर यहाँ पे देंगे स्ट्रिंग ARGS लिखा, तो यहाँ पे ARGS क्या है, आर्गूमेंट लेने के लिए यूज करते हैं, तो ये भी क्या है, नेम है। एंड मेन फंक्शन, मेन फंक्शन हम यहाँ पे कीवर्ड भी यूज होता है, बट ये आइडेंटिफायर की तरह से कि फंक्शन का नेम क्या है, मेन है, बट ये भी ये कीवर्ड है, इसको एज अ वेरिएबल आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट, जैसे हमने बनाया एक वेरिएबल int a, सो दिस a इज आइडेंटिफायर। यहाँ पे a का क्या पर्पज है, ये क्या करता है, एक वेरिएबल है जो क्या होल्ड करता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू, जो इसको हम लोग वेरिएबल को जो नेम दिया है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर।
So identifiers are the name given to different parts of program. It can be variable, it can be function, it can be class, interface, package. I hope it is clear to you. So let's see the another token, that is, okay, before going to another tokens, let's see something important, rules for naming the identifiers. Identifier का जो name है उसको लिखने के लिए rule क्या हम लोग use करते हैं, क्या rule है जिस identifiers का, यानी class का name जब हम लोग लिखने लगेंगे तो कुछ rules है तो उसको follow करना होता है variable के लिए and functions के लिए. So let's see one by one. Let identifier cannot be a keyword. अभी हमने बताया था keyword cannot be used as identifier. और या उसी को हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी अ कीवर्ड, यानी आइडेंटिफायर में हम लोग कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे. अगर किसी फंक्शन वेरिएबल या क्लास का नेम हमें देना है तो उसके लिए हम किसी कीवर्ड को यूज़ नहीं करेंगे. आइडेंटिफायर्स और केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का मतलब अपर केस एंड लोअर केस दोनों को डिफरेंटली ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है. इफ़ यू राइट लाइक हेलो और हमने इसको ऐसे लिखा हेलो, तो ये दोनों डिफरेंटली ट्रीट करेगा, ठीक है, बिकॉज केस सेंसिटिव. ये का आपका कैपिटल में एच लिखा है इसमें भी, बट बाकी के कैरेक्टर्स आपके डिफरेंट है. एक भी कैरेक्टर अगर आपका स्मॉल या कैपिटल का डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में, नंबर ऑफ लेटर्स एंड टाइप ऑफ लेटर्स आर सेम बट देयर केस आर डिफरेंट. इफ इफ एनी सिंगल कैरेक्टर इज हैविंग द अपर केस एंड अनदर हैविंग इन लोअर केस, तो वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंटली ट्रीट होगा बाय और डिफरेंटली रिकॉग्नाइज बाय द कंपाइलर. नाउ इट कैन हैव अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स. आइडेंटिफायर यानी नेम, जब हम लोग फंक्शन क्लास या वेरिएबल का नेम देते हैं तो सिंपली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स. सीक्वेंस ऑफ लेटर का मतलब वर्ड, लेटर्स को यूज़ करते हैं अल्फाबेट्स में एंड डिजिट्स, एंड वी कैन ऑल्सो यूज टू स्पेशल सिम्बल, दैट इज डॉलर साइन एंड अंडर स्कोर. डॉलर साइन और अंडर स्कोर का भी यूज़ करते हैं. सो आइडेंटिफायर का जब हम लोग ने आइडेंटिफायर में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द 26 अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड, देन 0 to 9 10 डिजिट्स एंड टू स्पेशल सिंबल ओनली, दैट इज डॉलर साइन एंड अंडर स्कोर. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लोग को लिखना है क्लास का नेम, तो क्लास यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड. यहां पे हम लोग क्या यूज किया, अंडर स्कोर यूज किया, बिकॉज स्टूडेंट और रिकॉर्ड के बीच में क्या है, स्पेस था इसलिए, ठीक है. यहां पे जैसे हमने मेथड बनाया void message, ये एक मेथड है, इसको कॉल किया गया मैसेज से. तो यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन मैसेज, int x1, x2, x3. तो यहाँ पे हम लोगों ने डिजिट भी यूज कर लिया, ठीक है. तो वी कैन यूज द अंडर स्कोर सेट ऑफ या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे MESSAJE AGE, तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डिजिट्स अंडर स्कोर डॉलर साइन एट्सेट्रा, जैसे यहाँ पे एक्स डॉलर ऐसे लिखा, ठीक है. सो वी कैन यूज ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज कैरेक्टर्स टू नेम द आइडेंटिफायर. नेक्स्ट, इट इज अ कन्वेंशन टू स्टार्ट एन आइडेंटिफायर विथ अ लेटर रेदर देन डॉलर और अंडर स्कोर. हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट नहीं करते, ठीक है. नंबर से स्टार्ट नहीं करने का मतलब, जैसे आपने अगर लिखा int 1x, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. 1 को पहले लिख दिया देन x लिखा, वी कांट डू इट. हम लोग ऐसे लिख सकते int_x, int $x, ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, बट वी कांट स्टार्ट विथ अ डिजिट. हम लोग ध्यान रखना कि डिजिट यूज तो होता है आइडेंटिफायर के नेमिंग के लिए, बट उससे स्टार्ट नहीं करता, आइडेंटिफायर का नेम कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है. यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखना है कि हम लोग डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे, बाकी आप किसी से स्टार्ट करते हो, बट इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विथ लेटर्स ओनली. लेटर्स से स्टार्ट करना ज़्यादा सही है,
जैसे यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो डॉलर से एक्स के पहले अंडरस्कोर या डॉलर लगाने से थोड़ा सा पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो उसको सिंपली हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, एक्स डॉलर इस तरीके से, या एक्स वन लाइक दिस, इज इट ठीक। नेक्स्ट, इट इज़ अ कन्वेंशन टू स्टार्ट देन, व्हाइट स्पेस आर नॉट अलाउड। व्हाइट स्पेस का मतलब होता है जो स्पेस देते हैं हम लोग, स्पेस जो देते हैं वो अलाउड नहीं होता है, वी कॉन्ट डू गिव स्पेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लास का नेम स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड को अगर हम ऐसे लिखते हैं, क्लास स्टूडेंट रिकॉर्ड, यहाँ पे स्पेस दे दिया मैंने, यहाँ पे क्या व्हाइट स्पेस है, इट इज नॉट अलाउड, यहाँ पे व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते हम लोग। या तो आप ऐसे लिख सकते हो क्लास स्टूडेंट, और स्पेस अगर आप देना है तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हो जैसे यहां पे आपने दिया है, अदरवाइज अगर स्पेस नहीं देना है तो स्टूडेंट रिकॉर्ड का जो पहला लेटर है वो उसको फिर से कैपिटल में लिखते हैं, रिकॉर्ड ऐसा। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड दो अलग अलग वर्ड्स है बट विदाउट स्पेस लिखा गया, स्टूडेंट का यस कैपिटल में और रिकॉर्ड का आर कैपिटल में, इस तरीके से लिखते हैं, तो ये क्या होगा कि रीड एबिलिटी आपकी, रीडिंग जो है वो आपका ठीक रहेगा, इससे रीड करना आसान रहता है। स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे स्टूडेंट के बाद रिकॉर्ड वर्ड भी अपने आप ये लग जाएगा कि यहाँ से नया वर्ड स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, सिमिलरली यू कांट यूज सिंबल्स लाइक एज द रेट, एट द रेट, हैज एंड सो ऑन। अभी मैंने बताया कि वी कैन ओनली यूज टू स्पेशल कैरेक्टर्स और सिम्बल्स दैट आर अंडरस्कोर एंड डॉलर, उसके अलावा आप कोई भी नहीं स्पेशल जो सिम्बल्स हैं उसको यूज़ नहीं कर सकते, हैज़ या डॉलर साइन, हैज़ और एट द रेट, डॉलर साइन तो यूज़ होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड, इट कैन हैव अ सिक्वेंस ऑफ लेटर्स ए टू जेड, डिजिट्स 0 to 9 एंड टू स्पेशल कैरेक्टर्स दैट इज डॉलर साइन एंड अंडर स्कोर, एंड इट इज़ अ कन्वेंशन टू स्टार्ट द नेम ऑफ आइडेंटिफायर विथ अ लेटर, और वी कैन स्टार्ट इट विथ अंडर स्कोर और डॉलर साइन। ये कन्वेंशन है बट ये कर सकते हैं, कन्वेंशन का मतलब रूल नहीं है वो, उसको एक एक तरीके से एक स्टाइल है लिखने का, इस पर हम लोग अंडर स्कोर डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टार्ट यहाँ से नहीं करना, अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग आपको करने का तरीका ये होता है कि इट इज़ बेस्ट वे टू राइट स्टार्ट विथ अ लेटर ओनली, इससे नहीं स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने में वो नहीं होता, बट ये इनवैलिड नहीं होगा, इनवैलिड होगा जब हम डिजिट से स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है, एरर तब शो करता है। व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड, व्हाइट स्पेस अलाउ नहीं होता, एंड सिमिलरली यू कांट यूज सिम्बल्स, ये सब सिम्बल। तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है आइडेंटिफायर में कि हम लोग कोई भी स्पेशल सिम्बल डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा यूज़ नहीं करेंगे, और हमेशा लेटर से स्टार्ट करेंगे, ना कि हम लोग डॉलर साइन या अंडरस्कोर से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, भले एरर नहीं शो कर रहा हो तो। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स। लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स, लिटरल या कॉन्स्टेंट का जो यूज होता है, लिटरल्स और कॉन्स्टेंट आर यूज, दीज आर एक्चुअली वैल्यू विच कांट चेंज, जो चेंज नहीं होता, और वैल्यू गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स, जो वैल्यूज होती है, तो अ कॉन्स्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइन टू द वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल। जैसे यहाँ पे यार 100 इज अ कॉन्स्टेंट और लिटरल, जैसे हमने लिखा एंटी एक्स इज इक्वल टू 100, देन 100 इज अ लिटरल और कॉन्स्टेंट। तो लिटरल या कॉन्स्टेंट वो होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होता, उसको हम लोग लिटरल या कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी कॉन्स्टेंट बनाने के लिए भी फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग, जैसे फाइनल INT x इज इक्वल टू 5, अब यहाँ पे x भी आ जाए कॉन्स्टेंट यूज होने लगता है, अब x की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, तो फाइनल कीवर्ड यूज करके हम लोग उसको कॉन्स्टेंट बना सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। सो लिटरल एंड कॉन्स्टेंट आर द वैल्यू विच आर असाइंड टू द वेरिएबल एंड विच कांट चेंज, जो चेंज नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक वैल्यूज एंड टाइप्स, वैल्यूज एंड टाइप्स का यहाँ तक हम लोग स्टडी करते हैं पहले आपके।
कि व्हाट इज कैरेक्टर सेट एंड देन व्हाट इज द टोकन्स. एंड हम लोगों ने टोकन्स में पढ़ा कि टोकन्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड बेसिकली देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ टोकन्स: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल एंड ऑपरेटर एंड देन पंक्चुएटर्स. यहाँ पे एक बार फिर से आप देख लीजिए टोकन्स का. सो दीज आर द टोकन्स. आप इसको लिख भी सकते हैं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टोकन्स इन जावा. नेक्स्ट, उसके बाद फिर आपका, अब हम थोड़ा सा प्रोग्राम आपको एक दो करा देते हैं, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस पर्पज से. सो लेट्स डू अ प्रोग्राम. क्वेश्चन, write a Java program for swapping the values of variables. राइट अ जावा प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करने के लिए एक जावा प्रोग्राम लिखना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास, क्लास का नेम हमने जैसे ले लिया स्वैप. यहाँ पे हम लोग इनपुट नहीं करा रहे हैं, ठीक है, दैट्स वाई हमने स्कैनर क्लास को यूज नहीं किया. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस ये मेन फंक्शन. यहां पे एक वेरिएबल हमने ले लिया इंटीजर ए, जिसकी वैल्यू हमने ले लिया 5. इंटीजर बी, जिसकी वैल्यू हमने ले लिया 12. और एक थर्ड वेरिएबल ले लिया सी, यहां पे ए और बी दो वेरिएबल, इनकी वैल्यू को स्वैप करना है. स्वैप करने का मतलब यह होता है कि एक ए जो वेरिएबल है और एक वेरिएबल आपका वी है, 12. एक ही वैल्यू आपका बी में स्टोर हो जाए और बी की वैल्यू ए में स्टोर हो जाए. स्वैप हो जाए, ए में आ जाए 12 और बी में स्टोर हो जाए 5. स्वैपिंग में क्या होता है कि एक इंटरचेंज होता है वैल्यू एक एक वेरिएबल की दूसरे में और दूसरे की पहले में. अब सिंपली अगर आप प्रोग्रामिंग में से करना होगा तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर इसके वैल्यू को इसमें और से दो कंटेनर है और दोनों कंटेनर में अगर वाटर रखा हुआ है, ठीक है, या एक में वाटर एंड एक में मिल्क है, तो हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट वाले कंटेनर में सपोज वाटर है और सेकंड वाले में मिल्क है, हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाले में मिल्क रखते हैं और सेकंड वाले में वाटर रख दें, यानी चेंज कर दें कंटेनर. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता, हमको एक दूसरा एम्प्टी कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी. जिसमें क्या करेंगे, फर्स्ट उस एम्प्टी कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को पहले वाले कंटेनर यानी वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे. इसमें जब हम स्टोर कर दिए 5, तो फर्स्ट वाला कंटेनर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा या एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले कंटेनर का जो वैल्यू है या जो भी कंटेंट है उसको क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले में रख देंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले का हमने क्या किया, एक जो थर्ड वाला कंटेनर था उसमें स्टोर कर दिया, तो ये खाली हो गया. इसमें जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे. अब क्या होगा, ये वाला कंटेनर खाली हो गया. अब जो तीसरे कंटेनर में हमने जो रखा था कंटेंट उसको क्या करेंगे, सेकेंड वाले में रख देंगे. अब क्या हो जाएगा, इस पर कौन सा वैल्यू था, कौन से कंटेनर का था, फर्स्ट वाले का, अब ये चला गया दूसरे में और दूसरे वाले का आ गया था पहले वाले में.
ये स्वैपिंग है. बट इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग जो वेरिएबल में क्या होता है कि सपोज अगर ये फर्स्ट वेरिएबल है या सेकेंड है, तो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को हम थर्ड वाले में, थर्ड हमने जैसे जो डिक्लेयर किया सी, ठीक है, उसमें स्टोर कर देंगे. अब ये एम्प्टी नहीं होगा लाइक अ कंटेनर, ये यहाँ पे फाइव रहेगा ही. ए के ए में क्या होगा, फाइव अभी भी स्टोर है क्योंकि वेरिएबल है, वैल्यू कॉपी हुआ है यहाँ पे, और इस पे ए में फाइव अभी भी है. अब हम लोग क्या करेंगे, बी में क्या करेंगे, ए में क्या करेंगे, बी की वैल्यू को असाइन कर देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव की जगह पर 12 ओवरराइट हो जाएगा. ठीक है, फाइव की जगह पर 12 लिख दिया जाएगा. एंड अभी भी आपका बी में क्या है, 12 ही है. अब सी की वैल्यू को क्या करेंगे, हम बी को असाइन कर देंगे, और बी में अब जो 12 लिखा था, 12 की जगह पर ओवरराइट हो जाएगा 5. सो इस तरीके से ये आपका लॉजिक है कैसे हम लोग स्वैप करते हैं. अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सी में क्या किया, ए की वैल्यू स्टोर कर दिया. तो सी इज इक्वल टू ए. सी में क्या कर दिया, ए की वैल्यू स्टोर कर दिया. अब यहाँ पे ए अभी फ्री नहीं हुआ है, बट ए की वैल्यू एक जगह कॉपी हो गया, क्योंकि अगर हम बिना कॉपी किए डायरेक्ट ए में बी की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा, और वापस बी में फिर हम ए की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ए की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा. इसलिए हम लोग थर्ड वेरिएबल यूज़ करते हैं. तो अब हमने ए में क्या किया, सी में क्या किया, ए की वैल्यू को असाइन कर दिया या कॉपी कर दिया. अब ए में अभी अपनी खुद की वैल्यू है, बट अब क्या करेंगे, ए में ओवरराइट करा देंगे बी की वैल्यू में. अब ए में हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया वी की वैल्यू. तो ए में जो 5 था अब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का नेचर ही है कि इसको जो वैल्यू जब दिया जाता है वो उस पुरानी वैल्यू के ऊपर ओवरराइट कर लेता है. तो ए की वैल्यू को पहले हमने सी में कॉपी कर लिया, फिर हमने क्या किया, बी की वैल्यू को ए में असाइन कर दिया. अब ए की में जो 5 था उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 12. अब बी में अभी भी क्या है, बी में जो है अभी भी 12 है. अब बी में हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को स्टोर करा देंगे, सी की वैल्यू को असाइन कर देंगे. और सी में क्या था, सी में था ए की वैल्यू. सी क्या था, एक एम्प्टी वेरिएबल था, इसमें कोई वैल्यू नहीं था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा इसमें केवल, ठीक है, इंटीजर है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगा. ठीक है, अब सी में ए को हमने पहले क्या करा था, असाइन किया था, तो सी के पास क्या वैल्यू था, 5. अब सी की वैल्यू को हमने बी में दे असाइन कर दिया. अब बी की वैल्यू क्या हो गई, 5, और ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू जो होती, बी की वैल्यू क्या थी, 12. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा 12 और बी में हो जाएगा 5. अब हम लोग इसको प्रिंट करा लेते हैं. प्रिंट, प्रिंट के लिए हम लोग सिंपल सा पूरा प्रिंट लिखेंगे. आगे आपको मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो आप समझ लेंगे. system.out.out.println. value of a is equal to plus a, और system.out.out.println value of b is equal to plus b. और ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड होता है. दिस इज द वे वी कैन राइट द प्रोग्राम ऑफ स्वैपिंग. कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले वेरिएबल ले लिया हमने, यहाँ पे इनपुट नहीं कराया स्कैनर क्लास की हेल्प से, क्योंकि वो लास्ट के कुछ प्रोग्राम में हमने आपको बता दिया है. मेरा यहाँ पे बस आपको इस स्वैपिंग का प्रोग्राम बताने का पर्पज़ था. तो ए में 5 और बी में अगर ये है, तो हम और थोड़ा सा बेहतर करने के लिए यहाँ पे ए और बी को यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते थे. ठीक है, एस ओ पी एल एन में हम लोग ए और बी को प्रिंट भी करा सकते थे. ए और बी को यहाँ पे प्रिंट करा देते तो पहले वाली वैल्यू पता चल जाती कि ए में पहले क्या था और बी में पहले क्या था. ठीक है, तो एक स्टेटमेंट और यहाँ लिख देंगे, देन फिर हम लोग स्वैप करेंगे. और स्वैप करने के लिए हमने अभी बताया था कि ये वाला आपका लॉजिक यूज होगा, और देन फिर आपका आगे का स्टेप जो था, हम लोग फिर बाद में जब स्वैप करने के बाद ए और वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे. तो पहले और बी की वैल्यू, और बाद में जब प्रिंट करेंगे तो आपको देखेंगे कि जो पहले ए में था वो बी में प्रिंट हो रहा है, और जो पहले बी में वैल्यू था वो अब ए में प्रिंट हो रहा है. तो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोग्राम ऑफ स्वैपिंग. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैल्यूज एंड टाइप्स का जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, अभी हमको ऑपरेटर एंड सेपरेटर और पंक्चुएटर्स पढ़ना है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. गुड डे टू ऑल ऑफ यू.